Hello students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, write down date, day and classwork here. So, today's activity is Mother's Day card. तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? ओके, हम देखते हैं. कपकेक पेपर. बेटा, अगर आपके पास कपकेक पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल शीट भी यूज कर सकते हो, जैसा मैम यूज कर रही है सेम उसी तरीके से. ओके, आप इस शेप में कट कर लीजिएगा अपनी शीट को और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपके पास कपकेक पेपर है देन दैट इज वेरी गुड. उसके बाद हमें कलर्ड पेपर चाहिए. कोई भी कलर का पेपर आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल, रेड, येलो, जो भी आपके पास शीट अवेलेबल है कलर्ड शीट, आप उसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्लू, स्केच पेंस, एंड वी नीड सीजर. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे फर्स्ट स्टेप में पेस्ट द कपकेक पेपर ऑन द पर्पल पेपर. ये आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन आपके पास जिस भी कलर का पेपर अवेलेबल है आप उसके ऊपर जो आपने कपकेक पेपर की शेप में शीट कट की थी उसको पेस्ट कर लो, लाइक दिस वे, जैसे मैं कर रही हूँ इन द सेम वे आपको करना है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज डन. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से आप लंबी लंबी स्ट्रिप कट कीजिए. पहले स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, यस, जैसे मैं कर रही हूँ उसी वे से आप स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. एंड नाउ यू हैव टू कट इट. स्ट्रिप्स आर रेडी. नाउ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन डिफरेंट कलर्ड शीट वी हैव टू ड्रॉ फ्लावर्स. हमें अलग अलग कलर की शीट्स पे फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं. कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी शेप का फ्लावर ड्रॉ करें, जैसा आपको बनाना आता है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं. थोड़े मैंने पहले आपके लिए ड्रॉ कर रखे थे, देखो ऐसे अलग अलग तरह के फ्लावर्स आपको ड्रॉ करने हैं. नाउ वी विल पेस्ट वन साइड, एक तरफ से सिर्फ नीचे की तरफ आपको ग्लू लगाना है या फेविस्टिक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी से लगा सकते हैं, यस. और उसको कपकेक पेपर के इनसाइड, अंदर की साइड हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे फ्लावर की वो है ना, नीचे की स्ट्रिप, तो इसके लिए, यस. इन द सेम वे वी विल पेस्ट ऑल द स्ट्रिप्स. देखो जैसे मैं लगा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको स्ट्रिप्स लगानी है. कोई छोटी लगा सकते हो, कोई बड़ी, क्योंकि हमारे सभी फ्लावर्स सेम साइज के थोड़ी ना होते हैं. किसी की टहनी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो कोई ज्यादा अंदर की साइड लगा दो, कोई थोड़ा बाहर की साइड, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं. सब बच्चे अपनी मम्मा के लिए सुंदर सुंदर कार्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारी मम्मा भी तो हमारे लिए पूरा दिन वर्क करती है ना, सो हम भी तो उनके लिए कुछ करें, इसीलिए हम कार्ड बनाना सीख रहे हैं. ट्राई करना कि आप इसमें अपने पापा की हेल्प लें, क्योंकि मम्मा के लिए तो सरप्राइज है. देखो हमारी स्ट्रिप्स लग गई हैं, अब हम वन बाय वन फ्लावर पेस्ट करेंगे इस पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो एक एक करके फ्लावर पे ग्लू लगाते जाइए और पेस्ट करते जाइए, यस. नेक्स्ट वन पिंक पेस्ट हो गया, नाउ ऑरेंज. किसी भी कलर को कहीं पे भी लगा सकते हैं, परेशान नहीं करना है मम्मी पापा को. जो भी कलर की शीट अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी अलग अलग कलर के फ्लावर्स बनाएं. अगर आपके पास कम शीट्स हैं तो आप सेम कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं. ओके, कितना सुंदर लग रहा है ना ये कार्ड, वाओ, वेरी नाइस. सो हमने सभी फ्लावर्स को पेस्ट कर दिया है. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन आप अपने कपकेक पेपर पे लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे. सो हमारा कार्ड रेडी है,
आप इसके साइड में जहां जहां जगह आपको खाली दिख रही है वहां पे अपनी मम्मा के लिए कोई और भी मैसेज लिख सकते हैं। अदरवाइज ये कार्ड सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसा का ऐसा अपनी मम्मा को दे सकते हैं। सो आई विश यू ऑल मदर्स हैप्पी मदर्स डे, स्टे होम, स्टे सेफ, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय।